साथियों, मैं आज अपने YouTube चैनल हैप्पी एंड हेल्दी हर्ट की नई सीरीज़ में समाज में लोगों को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हृदय रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर्स पर आप सभी से आज परिचर्चा करना चाहूँगा। चूँकि एक अहम सवाल है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं या ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से या जिनके कारण जो है व्यक्ति हृदय रोगों से ग्रसित होके असमय मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अगर हम उन कारणों की या उन फैक्टर्स की रोकथाम कर लेंगे समय से, तो समाज से काफ़ी हद तक हृदय रोगों से छुटकारा पाया जा सकेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल होने की वजह से हृदय रोग हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो हृदय रोग के उपचार के बजाय अगर हम इनके रोकथाम पे ध्यान देंगे, तो काफ़ी हद तक जो है समाज पर और देश पर इन रोगों के उपचार में होने वाले खर्च का आर्थिक दबाव भी कम होगा। तो साथियों, हृदय रोग के रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से व्यक्ति को हृदय रोग होता है, मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होते हैं नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नंबर दो होते हैं मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि उसमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते और उसको हमें एज सच स्वीकार करना होता है, जिसमें कि सर्वप्रथम सबसे पहले आता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, कि अगर किसी के व्यक्ति के घर में हार्ट डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री है कि या उसके घर में किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मेल में 55 साल से कम और फीमेल में 45 से कम पे अगर किसी की मृत्यु हुई है हार्ट अटैक की वजह से और हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है, तो वो व्यक्ति उनके जो सगे ब्लड रिलेशन के व्यक्ति होते हैं, जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, तो वो हार्ट या हृदय रोगों के लिए हमेशा प्रोन रहते हैं या उनमें हृदय रोगों की संभावना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। नंबर दो, एज, कि एक उम्र के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हृदय रोगों की संभावना अपने आप बढ़ती चली जाती है। जो हृदय रोग की संभावना 20 और 30 साल पे ऑलमोस्ट नगण्य होती है, वो जैसे ही व्यक्ति 50 साल के ऊपर पहुंचने लगता है, तो उसको हृदय रोगों की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। सेक्स, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है मेल है या फीमेल है, पुरुष है या फिर स्त्री है। ये देखा गया है कि मेल्स में जो है हृदय रोगों की संभावना फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फीमेल्स में मीनोपॉज होने से पहले या जब महामारी जब खत्म होती है, बंद होती है 45 साल की उम्र से पहले, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हार्ट रोगों की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं पुरुष के अपेक्षा। लेकिन 45 साल जैसे ही फीमेल्स में या स्त्री में जो है महामारी बंद हो जाती है या मासिक स्राव जो है वो बंद हो जाता है, मीनोपॉजल की एज ग्रुप में पहुंच जाती है, तो जो हार्मोन्स का प्रोटेक्टिव इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है और 45 के बाद मेल और फीमेल दोनों में हृदय रोगों की संभावनाएं ऑलमोस्ट बराबर होती हैं। फिर आता है इथनिसिटी। इथनिसिटी का मतलब है कि व्यक्ति किस रीजन को बिलोंग करता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो ब्लैक पॉपुलेशंस हैं उनमें वाइट पॉपुलेशंस के कंपैरिजन में हृदय रोग की संभावना ज़्यादा होती है, जो कि डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स और जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं की जा सकती। तो जो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, एज हो गया, सेक्स हो गया, एथनिसिटी हो गया,
इनमें हम बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, या मेल सेक्स है, या फिर ब्लैक एथनीसिटी का बंदा है, तो वो पहले से ही थोड़ा प्रिवेंटिव लाइफ स्टाइल अपनाए, अपना आहार और अन्य चीज़ें जो कि हृदय रोग के रोकथाम में कारगर होती हैं, उनको पहले से ही अपनाना शुरू कर दे, जिससे कि हृदय रोग की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाए। दूसरे रिस्क फैक्टर्स जिनमें कि हम फेरबदल कर सकते हैं, या जिनमें कि हम प्रिवेंटिव मीजर्स का काफ़ी हद तक यूज करके हार्ट रोगों की संभावना को बिल्कुल नगण्य कर सकते हैं, वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सर्वप्रथम आता है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी और अनियमित दिनचर्या और तैलीय पदार्थों का, घी तेल का ज़्यादा सेवन करने की वजह से व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन मोटा होता चला जाता है। और मोटापे में भी ये देखा गया है, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है ख़ासतौर से हम इंडियंस में, कि जो पेट निकल आता है, कहते हैं कि तोंद निकल आई है, पेट निकल आया है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अगर एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस जो है किसी मेल का 102 सेंटीमीटर और फीमेल का 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति ओवरवेट और ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, और इनमें हार्ट रोगों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें वो सभी उपाय करने चाहिए जिनसे कि हमारा वजन नियंत्रित रहे, BMI हमारा 25 से नीचे मेंटेन रहे, और हमारा जो है पेट, या जिसको हम तोंद कहते हैं, वो ना निकले। उसके लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, और अपने खाने में तैलीय पदार्थों का सेवन कम, और फल फ्रूट्स और हरी सब्जियों का सेवन वो ज़्यादा करना है। नंबर 2, हाइपरटेंशन या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, तो वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसके लिए मैंने अपनी विभिन्न परिचर्चाओं में पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सर्वप्रथम तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़े ही नहीं, उसके लिए हमें उचित आहार विहार और फिजिकली एक्टिव रखना है अपने को। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसकी उचित हम चिकित्सक से परामर्श करके उसकी उचित दवाइयाँ लें, और उसको विद इन कंट्रोल लिमिट्स रखें, अगर हमें हार्ट डिजीज़ों से बचाव करना है तो। नंबर 3, डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। आजकल ये देखा गया है कि अपने भारत में शुगर बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, और हर तीसरा और पांचवा व्यक्ति जो है शुगर का मरीज है। शुगर के रोगी में भी हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि शुगर की बीमारी हमारे लिए ना हो, और अगर शुगर की बीमारी है, तो उसको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी और दवाइयों के माध्यम से हम कंट्रोल रखें। नंबर 4, फिजिकल इनएक्टिविटी। हमें फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, अगर हम फिजिकल इनएक्टिव हैं तो हमारा वजन भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ जाएगी, इन दोनों के साथ साथ फिर आगे चल के शुगर की भी दिक्कत बन सकती है। तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना ही है, और हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट या फिर 30 मिनट पर डे, एटलीस्ट फॉर 5 डेज हमें एक्सरसाइज करना ही करना है, जिसमें कि दोनों एरोबिक और वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टिव जो छोटे छोटे वेट होते हैं उनको उठाने की ट्रेनिंग, या फिर योगा है, या फिर आप अगर पैदल चलना पसंद करते हैं तो जॉगिंग हो गया, या रनिंग भी आप कर सकते हैं अगर आपका शरीर इसके लिए अलाउ करता है तो। कुल मिला के हमें किसी गेम के माध्यम से, योगा के माध्यम से, या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज के माध्यम से अपने को फिजिकली एक्टिव रखना है। नंबर 5, जो बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, और जो कि आजकल जिस तरीके का हमारा समाज जिस तरफ अग्रसर हो रहा है, तो नवयुवकों में जिसका क्रेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्मोकिंग का। तो स्मोकिंग जो है वो हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और स्मोकर्स
इन कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर्स 5 से 6 गुना ज़्यादा जो है हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क में होते हैं। तो स्मोकिंग किसी फॉर्म में हमें नहीं करना है, चाहे वो तम्बाकू हम जला के पीते हों, जैसे बीड़ी में है, सिगरेट में है, हुक्का में है, या फिर वो तम्बाकू जो है मुंह से चबा के खाते हों। ये दोनों ही प्रकार की तम्बाकुओं से जो निकोटीन निकलता है वो हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है और हार्ट की बीमारियां भी विभिन्न तरीके की कॉज करता है। तो इस प्रकार अगर हमें हार्ट रोगों से बचाव रखना है तो ये दोनों तरीके के फैक्टर्स, अगर नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के रिस्क पे अगर हम हैं, हमारे घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है या उम्र बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें प्रिकॉशंस लेना है, तो हमें पहले से ही प्रिकॉशियस हो जाना है। और एक नॉर्मल आदमी की कंपैरिजन में जिसमें कि ये नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, हमें ज़्यादा सतर्क रहना है। और मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, हमें अपना आहार और फिजिकली एक्टिव रहना है, डाइट पे ध्यान देना है और स्ट्रेस कम लेना है, जिससे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे की चपेट में हम ना आए। अगर हमने इन सब पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया तो हम हर डिजीज़ से काफ़ी हद तक बचाव करके स्वस्थ रह के अपने देश, समाज और परिवार की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।